बिजनौर में जवान युवक की हत्या कर पहचान छुपाने के लिए जलाई बॉडी। बिजनौर जनपद के नगीना के ग्राम कोटरा व फतेहपुर के बीच सड़क किनारे एक युवक का जला हुआ शव मिला है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। बुधवार सुबह ग्रामीण ने ग्राम कोटरा व ग्राम फतेहपुर के बीच सड़क किनारे दौलत वाली पुलिया के पास एक युवक का जला हुआ शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी भरत सोनकर व थाना अध्यक्ष हरि ओम सिंह चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष प्रतीत हो रही है तथा उसका 80% शरीर जला हुआ मिला है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि युवक की हत्या करने के बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके शव को आग के हवाले किया गया होगा। मृतक का चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ मिला है, जबकि दोनों पैर जलने से बच गए हैं। ये थाना नगीना क्षेत्र के फतेहपुर के सिवान में जो है, जो पुरैनी से रास्ता कस्बा कोटला को जाता है, सड़क के किनारे पुलिया के पास जो है एक अज्ञात शव मिला है, जो पुरुष का है। उम्र लगभग जो है शव को देखने से जो ज्ञात हो रही है वो लगभग 25-30 के आसपास होगी। शव जला हुआ भी है, इसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास गाँव के लोग आए, शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। इसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और इसके शिनाख्त के लिए और अन्य विधिक कार्रवाई के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इसका ये बॉडी कहां से आई, कैसे किसके द्वारा लाया गया और किन परिस्थितियों में इसकी मृत्यु हुई, इस सभी बिंदुओं पर जो है पुलिस जाँच कर रही है। इसके लिए दो टीमों का गठन किया गया है, शीघ्र ही इसका सफल अनावरण किया जाएगा। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।